एक पति पत्नी की हत्या हुई है, डाक मिठाई का आरोप लगा है। इसका आरोप गांव के 3 लोगों पर लगा है। पुलिस के साथ साथ मेरा मानना है कि एनजीओ को भी आगे आने की जरूरत है, क्योंकि ये एक सोशल क्राइम है और जब तक अंधविश्वास दूर नहीं होगा, जब तक एनजीओ सामने नहीं आएंगे, लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तब तक इसको जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में सरकार कैशलेस क्रांति की बात कह रही है, लोगों को विकास के सपने दिखा रही है, देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कह रही है। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब उसी झारखंड से सदियों पुरानी एक कुप्रथा खत्म नहीं हो पा रही है। वो कुप्रथा डायन है। इस राज्य में तमाम प्रयासों के बाद भी डायन का आरोप लगाकर लोगों को मौत की नींद सुलाने के मामले नहीं थम रहे हैं। सिमडेगा में एक बुजुर्ग दंपति को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन पर डायन होने का शक था। यह तो महज एक घटना थी, ऐसी घटनाओं की फहरिस्त काफी लंबी है। झारखंड पुलिस के आंकड़ों की ही बात करें तो साल 2011 में 36, 2012 में 33, 2013 में 47, 2014 में 38, 2015 में 47 मौत इस वजह से हो चुकी है, जबकि 2016 में अब तक लगभग 600 मामले दर्ज हो चुके हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि झारखंड में हालात कितने खराब हैं। मुद्दे की बात में हम रघुराज के यमराज की बात करेंगे, जिसमें हमारे कुछ सवाल भी हैं। साल 2001 में बना कानून 15 साल बाद भी बेअसर क्यों है? 15 साल में 500 कत्ल के दोषियों को आखिर कब मिलेगी सजा? कड़ी सजा के लिए कानून में संशोधन क्यों नहीं? ओझाओं को दंड देने का प्रावधान क्यों नहीं? और डायन विसाही प्रथा पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? डायन बताकर मारे जाने की कब तक होंगी वारदातें? समाज में जागरूकता लाने की पहल आखिर क्यों नहीं हो रही है? कब तक झारखंड में अंधविश्वास की आग जलती रहेगी? कैशलेस झारखंड में डायन और बिसाही का दंश क्यों है? और सवाल यह भी कि 21वीं सदी के झारखंड में 17वीं सदी जैसी कुप्रथा क्यों है? तो मुद्दे की बात में इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिना देर किए चलते हैं चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गंगोत्री कुजूर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी विधायक हैं मांडर से। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट अजय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गंगोत्री कुजूर जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे, आप एक महिला भी हैं और जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है कि वो प्रदेश जहां कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, वो प्रदेश जहां बात हो रहा है कि उसे 21वीं सदी में सबसे तेजी से डेवलप करके देश में अव्वल बनाना है, वहां पर आज तक डायन प्रथा चल रही है और 2 लोगों को मार दिया जाता है। ये अभी की ताजा घटना है, पूरे साल के आंकड़े तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। ये सच है जी, झारखंड प्रदेश जहां डायन प्रथा सदियों से चली आ रही है और आज के समय में भी 21वीं सदी में हम बात करें तो यह बहुत ही शर्मनाक विषय है जी। और डायन की जो बातें होती है वो सिर्फ महिलाओं को ही टारगेटेड क्यों किया जाता है? इसमें बहुत बड़ी बात यह है जी, अपने जो झारखंड प्रदेश है जहां सुदूर गांव में, विशेषकर मैं बात करूं तो आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते सुदूर गांव में आदिवासी ही ज्यादा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज भी वहां तक हम शिक्षा की जो भी बातें करें, शिक्षा वहां तक पहुंच नहीं पाई, जो शिक्षा होनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाई है जी। और ये एक बहुत बड़ा कारण, ये तो आप बता रही हैं कि शिक्षा नहीं पहुंच पाई, लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, बुजुर्गों की ये जिम्मेदारी है किसकी? सरकार आपकी है, प्रदेश में आप सरकार चला रही हैं, शासन में हैं, उसके बावजूद अगर यहां पर ये सब समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं तो फिर सवाल किस पर खड़े होंगे, जिम्मेदार कौन होगा? आपका कहना बिल्कुल सही है, जायज है, लेकिन ये जिम्मेदारी केवल सरकार पे ही नहीं होती। गांव के लोग जहां पे रहते हैं
उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जन जागरूकता के साथ इस पर पहल करें और इस डायन प्रथा की जो बातें हैं उसको खत्म करने का प्रयास। नहीं ना, विरोधाभास बातें हो गई। जाहिर तौर पर जब गांव के लोग, आप खुद कह रही हैं, अशिक्षित हैं, तो वो जागरूकता के लिए क्या करेंगे? जागरूकता तो सरकार को लानी है ना भाई, जागरूकता तो आप पहल करेंगी, उसके बाद लोगों को खुद से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अजय जायसवाल जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जाहिर तौर पर ऐसे मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। झारखंड में हमने पिछले 4-5 साल के आंकड़े गिनाए हैं और 15 साल की अगर बात कर लें, जब से कानून बना है उसके बाद से 500 से ज्यादा कत्ल हुए हैं प्रदेश में डायन बिसाही के नाम पर। देखिए, पिछले 26 सालों से हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, डायन प्रथा, जो डायन हत्याएं हो रही है झारखंड में, और तकरीबन पिछले 25 सालों में 1600 हत्याएं हो चुकी है। आज अगर केवल इस साल आप देखें, वर्ष 2016 जनवरी से दिसंबर तक आंकड़ा देखें, तो सिमडेगा में जो दो हत्याएं हुई उसको लेकर 53 हत्याएं केवल इस साल हो गई, जो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत दुखद है। जी। और एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग कंटिन्यूअसली लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जो डायन कानून है, जो झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम जो बिहार में 1999 में पास हुआ था, जिस कानून को यहाँ एडॉप्ट कर लिया गया, जो 2001 के नाम से यहाँ जाना जाता है जी, उस कानून में जो धाराएं हैं और जो सजा का प्रावधान है बहुत ही कम है। अगर किसी औरत को डायन करके चिन्हित करता है और उसको प्रताड़ित करता है तो मैक्सिमम 1 साल की सजा है, 2000 रुपये जुर्माना है, जो एकदम नहीं के बराबर है। इसमें संशोधन होना चाहिए, पहली बात। जी जी। दूसरी बात, एक संस्था 3000 से ज्यादा गांव है वहां जाकर कुछ ही नहीं कर सकती है। हम अवेयरनेस कर सकते हैं, जागरूकता करते हैं, सरकार को इसमें पहल लेनी पड़ेगी। आप देख लीजिए, ग्राम जो जितनी भी घटनाएं घट रही है गांव में घट रही है, और गांव में ग्राम सभा को जब तक मजबूत नहीं किया जा सकता है, जब तक पीआरआई मेंबर को सेंसिटिव नहीं किया जा सकता है, तब तक इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। कानून बनने के बाद भी कोई समाधान नहीं है। भी झाड़ फूक के नाम पर ग्राम सभा में जितनी भी चीजें होती है, करने पर 1 साल की सजा है, डायन कहकर बाकी यातना देने पर तो महज 6 महीने की सजा है। ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे मामलों में जिसमें जागरूकता लाकर खत्म करने की जरूरत है। आसाम में देख लीजिए, सही बात है, आसाम में आप देख लीजिए, आसाम में जो कानून है वो अगर कोई आदमी डायन करके किसी को प्रताड़ित करता है तो उसके लिए 5 साल की सजा है और 5000 रुपया से 5 लाख तक का जुर्माना है, जबकि हमारे यहाँ वो प्रावधान नहीं है। जी, जाहिर तौर पर इस पर गंगोत्री जी ही कुछ कहेंगी। गंगोत्री जी, आपने जरूर, आपकी बीच में ये आवाज आई, आपने कहा कि बिल्कुल सही है, लेकिन सही कहने से नहीं होगा, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और उस पार्टी के साथ ताल्लुक रखती हैं जिसकी प्रदेश में सरकार है। तो जाहिर तौर पर सिर्फ आप ये कह दें कि बिल्कुल सही है तो सही है, तो इसे ठीक कौन करेगा? बार बार ये कह देने भर से थोड़ा ही ना काम चलेगा। यस, मैं फिर उसी बात को दोहरा रही हूँ, ये बात सही है, ये एक बहुत बड़ा कारक है जिसे सरकार को ही इसी विषय पर काम करनी चाहिए। आप एक बात बता रहे हैं, सरकार कह रही है, नहीं, आपको लगता है कि प्रदेश की सरकार कैशलेस की बात करनी चाहिए? आपको लगता है कि प्रदेश की सरकार को कहना चाहिए कि हम 70 साल का करप्शन मिटा देंगे? ये है, ये मुख्यमंत्री जी के दावे हैं कि भाई 70 साल का करप्शन मिटाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी सरकार कैशलेस इकोनॉमी के लिए काम कर रही है। अरे, जिस प्रदेश में आज भी भूत प्रेत डायन बिसाही के नाम पर हत्याएं हो रही हो, वहां पर आप किस हाईटेक प्रदेश की बात करेंगे और क्यों करेंगे? देखिए, राज्य के विकास के लिए तो मुख्यमंत्री जी को जो जिन बातों का ये कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ ही जो आदिकाल से जो चला आ रहा है उस विषय पर जो अंधविश्वास की बातें हैं और डायन कह करके एक आपराधिक मामले जो सामने आ रहे हैं, तो इस पर निदान करने के लिए विशेष तौर पर जो कानून बने हुए हैं उस पर और कड़ी से कड़ी सजा देने की प्रावधान होनी चाहिए। इस पर मैं भी अपने तरफ से एक लिखित ये मुख्यमंत्री जी को दूंगी कि ऐसे जो कुप्रथा है। अच्छा, ये अंधविश्वास नहीं, आप लिखित में मुख्यमंत्री, नहीं इस पर लिखित में मुख्यमंत्री को देंगी ये बात? अभी जो आप कह रही हैं, आप उस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं जहां पिछले साल 5 महिलाओं को मारा गया है डायन कहकर, डायन बताकर। जरा बताएं कि तब आप कहां थी, तब आपने क्यों नहीं सोचा कि इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? आप एक महिला भी हैं, आप उस इलाके की जनप्रतिनिधि भी हैं, तब आपको यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मुख्यमंत्री से बात करें?
मैंने तब भी बात किया था और अब भी उसी बात को यह कर रही हूं कि वहां पांच जो अपने क्षेत्र में पांच महिलाओं की हत्या हुई थी, हत्याएं जो होती हैं डायन बताकर जिन बातों को ये किया जाता है वो अंधविश्वास भी है, लेकिन इसमें फिर कुछ दूसरी बातें भी आती है। अभी जो क्षेत्र में जो महिलाएं सबसे आगे हैं, आप देखते होंगे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा जागरूक होती हैं और वो विशेष तौर पे अपने पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, तो ऐसे महिलाएं भी टारगेटेड होती हैं और वो अंधविश्वास के आड़ में वैसी सारी जो महिलाएं आगे आना चाहती हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि मुख्यमंत्री से पिछले साल आपने बात की थी और तब मुख्यमंत्री ने आपकी बात नहीं सुनी, कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं आया है, तो जब पांच हत्या आपके क्षेत्र में हो जाती है और तब मुख्यमंत्री नहीं सुने, तो आज दो हत्या जब हुई है और उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आप स्टूडियो में बैठकर ये बात कह रही हैं कि मुख्यमंत्री को खत लिखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि फिर मुख्यमंत्री सुनेंगे? जरूर सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। उन पर दोषारोपण करने से पहले मैंने वो लिखित नहीं दिया था, जरूर बातें हुई थी लेकिन मैंने लिखित नहीं दिया था। अजय जायसवाल जी, इस बात को अजय जायसवाल जी, गंगोत्री गुजूर जी कह रही हैं कि अब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगी, लेकिन खैर सवाल यही है कि 2001 में प्रदेश में जब झारखंड जब अलग हुआ था तब भी पहली सरकार वहां पे इत्तेफाक से बीजेपी की ही थी और आज 15 साल बाद भी देखें तो बीजेपी की ही सरकार है, उसके बावजूद अगर ये नहीं सुधरा तो आपको क्या लगता है कि कितनी उम्मीदें सरकार से की जा सकती हैं इस मसले पर? नहीं, जो प्रदेश की जो समस्या है उसमें तो सारा उम्मीद सरकार पर ही, लोगों का जनता का ये टिका रहता है और सरकार को इसमें पहल करना ही होगा क्योंकि सरकार के पास गांव स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर राज्य स्तर पर उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, प्यारे मेंबर्स है, ग्राम सभा है। सबसे पहले तो ग्राम सभा को एक्टिव करना बहुत जरूरी है और सरकार को इसमें पहल करना ही पड़ेगा, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, संवेदनशील बनना पड़ेगा क्योंकि ग्राम सभा में देख लीजिए जितने भी बातें होती योजना से संबंधित बातें होती है, सड़कें कहां बनेगी, लाल कार्ड किसको मिलेगा, पीला कार्ड किसको मिलेगा, महिलाओं के मुद्दों को कर बातें नहीं के बराबर होता है, तो इन समस्याओं को ग्राम सभा से उठाना पड़ेगा तभी ये संभव हो सकता है। अजय जायसवाल जी, अजय जायसवाल जी, जो इस वक्त मेरे सामने मेरे पास जो जानकारी है आंकड़ों के मुताबिक, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डायन उन्मूलन मद में 5 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए थे सरकार की तरफ से, कि 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कि डायन प्रथा जो है उसका उन्मूलन हो सके, लेकिन जानकर हैरानी हो रही है कि इस मद से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया गया है। जागरूकता के नाम पर, लोगों को जागरूक करने के नाम पर इस रकम में से 1 रुपए भी प्रदेश की सरकार ने अब तक खर्च नहीं किए हैं। आप बताएं कि प्रदेश सरकार की मंशा फिर क्या है? वही हम कह रहे हैं कि जब तक संवेदनशील नहीं होंगे, सरकार नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, जो प्रखंड स्तर में जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर में जो लोग हैं, जब तक इस मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं होगा, आप देख लीजिए नक्सली प्रभावित इलाका है, जितनी हत्याएं उसके कारण हुई उतनी ही करीब हत्याएं डायन हत्या हुई, लेकिन उसके लिए कितने संसाधन है, लेकिन डायन हत्या हो रही है उसके लिए हम कितने संसाधन जुटा पा रहे हैं, अगर है भी तो उसका हम कितना उपयोग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कितना कर रहे हैं। अच्छा, जमीनी स्तर पर चूंकि आप लोग काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार से लेना पड़ेगा? नहीं तो आप अजय जी, जमीनी स्तर पर चूंकि आप लोग काम करते हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या आपको लगता है कि सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से लेती ही नहीं? क्या सरकार को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा मामला है तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में, बहुत ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहता सरकार के लिए? नहीं, ये तो सच्चाई है क्योंकि अगर गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये स्थिति आज नहीं आती। इस साल 52-53 हत्याएं केवल इस साल हो गई, वो नहीं होती, तो कहीं ना कहीं सरकार को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। अब वो स्थिति आ चुका है, इतनी महिलाएं मारी जा चुकी हैं, अब इसको लेकर अगर हम अभी पहल नहीं करें, कानून में संशोधन नहीं करें, अगर कोई दिशा निर्देश हम लोग पंचायत को नहीं दे, थाना को नहीं दे, एक मतलब इतना मुश्किल है कि इस पर तुरंत कोई कार्रवाई करके तुरंत कोई ना कोई स्टेप लेना ही। बिल्कुल, गंगोत्री जी आंकड़े बढ़ रहे हैं और यही ज्यादा चिंता का सबब है कि प्रदेश की सरकार आखिर पैसे क्यों नहीं खर्च कर रही। अगर 5 करोड़ रुपए आपने दिए थे कि जागरूकता लाने के लिए अभियान में खर्च किए जाएंगे, उसमें से 1 रुपए भी सरकार ने खर्च नहीं किए, विभाग ने खर्च नहीं किया, आखिर क्यों? क्या सरकार की मंशा नहीं है इस चीज को खत्म करने की? क्या सरकार को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है तो इसे दरकिनार कर दें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस बात का खंडन करती हूं कि सरकार इस पर कार्य नहीं कर रही। नहीं, आपके नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं अजय जायसवाल जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितनी हत्याएं डायन प्रथा के नाम पर हुई हैं, लगभग उतनी ही घटनाएं जो हैं वो हुई हैं वहां पर नक्सलियों के द्वारा, लेकिन नक्सल ऑपरेशन को लेकर तमाम संसाधन झोंके जाते हैं,
फिर इस कुप्रथा को खत्म क्यों नहीं किया जाता जो अंदर ही अंदर सोसाइटी को खोखली कर रही है? हाँ, इस बारे में ये आप कह सकते हैं कि नक्सली के ये के लिए जितने तादाद ये कार्य किए जाते हैं डायन प्रथा में नहीं किए जाते, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सरकार इस पर चुपचाप है। सरकार भी जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं और इसमें जो हमारे हैंड्स हैं जी पंचायत लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे, गांव गांव पे जो लोग हैं उन सारे लोगों को भी इस पर पहल करनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल, आपकी पहल अकेले यदि ये कहें गंगोत्री जी, आपकी पहल और सरकार की जागरूकता ये नहीं हो सकती। बिल्कुल, आपकी पहल और सरकार की जागरूकता जो है वो इस बात से पूरी तरह से साबित होती है कि 2014 में 38 मौतें हुई थी जो 2015 में बढ़कर 47 हो गई, 2016 में और बढ़कर 53 तक पहुंच गई। ये सरकार की गंभीरता है, ये पता चल रहा है। इस बात पर ठीक ये मैंने एक बातें कही कि डायन बता करके इस दूसरे रास्ते को भी इस रास्ते से सही ये करना ये गलत है। अजय जायसवाल जी, गंगोत्री जी के पास सिर्फ मैंने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो गंगोत्री जी सिर्फ इतना ही कह रही हैं कि गलत है गलत है, लेकिन गलत है इसको सही करने का उपाय भी नहीं है, इसको सही करने की कोई कोशिश भी नहीं दिख रही है, इसे ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल भी नहीं दिख रही। देखिए बहुत सारे हम लोग पिछले 26 सालों से कर रहे हैं, बिहार और झारखंड में कानून हम लोगों ने पास करवाया, कानून बना, लेकिन अभी ये जरूरत है कि मिल बैठ के इस समस्या का समाधान, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे स्कीम, बहुत सारी चीजें हम लोग समझते हैं कि गांव में क्या हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग गांव में इस प्रथा के खिलाफ नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट थिएटर करने के लिए जाते हैं कई गांव से हमको भागना भी पड़ा, रात रात को हमको छुप के रहना पड़ा, क्योंकि लोग इतना विश्वास करते हैं, इतना अंधविश्वास मतलब इतना अंधविश्वासी है लोग, अब कह नहीं सकते हैं। मतलब अगर एक बैल मर गया गांव में तो लोग सकते हैं औरत ही उसको विद्या से उसको मार दिया गया, तो अशिक्षा का तो कमी है ही है। आपको क्या लगता है कि इस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि सरकार कानून ऐसा कानून को सख्त करना होगा, सजा के प्रावधान बढ़ाने होंगे, या फिर लगता है कि जागरूकता अभियान ज्यादा जरूरी है, या फिर दोनों की जरूरत हो गई है? नहीं, कानून को सख्त तो करना ही पड़ेगा, कानून को सख्त करने के साथ साथ जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, क्योंकि कानून इतना लचीला है, कानून जिस समय बन रहा था तो उस समय ये सोचा गया था कि चूंकि कानून नहीं है तो ये कानून आ जाए, वो कानून बिहार झारखंड में लागू हो गया जी। तो अभी कानून को संशोधन करने की जरूरत है, उसमें सजा के प्रावधान को बढ़ाने की जरूरत है, और जागरूकता तो बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि आप पंचायत चुनाव हुए हैं झारखंड में, दोबारा चुनाव हुए, प्यारा मेंबर हमारे हैं, एक्टिविस्ट है, उनके साथ मिलकर प्लानिंग करना होगा, जो ग्राम सभा की बैठकें होती है उनके साथ मिलकर, और सबसे बड़ा चीज है कि ग्राम स्तर में हेल्थ, जो बच्चे बीमार होते हैं, चाहे लोग बीमार होते हैं, सीधे ओझा के पास जाते हैं, क्योंकि डायन कहने का, जो डायन किसी औरत को कोई घोषित करता है तो पहला व्यक्ति ओझा ही होता है, जो किसी औरत को बोलता है या डायन है, उसके बाद ही उसके साथ दुष्कर्म होता है या मारपीट होता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इन ओझाओं को चिन्हित करना पड़ेगा, और ओझाओं को चिन्हित करके इसको मोटिवेशन करना पड़ेगा, ओझाओं को बाइक बनाना पड़ेगा, और ग्राम सभा को ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। जब तक ग्राम सभा सक्रिय नहीं होगी, पंचायत सक्रिय नहीं होगी, इस समस्या का समाधान, सवाल भी उठाए हैं आपको, सवाल उठा रहे हैं अजय जायसवाल जी, उसमें हमने ये भी कहा है कि आखिर जो ओझा है, ये ओझागुनी के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा बरगलाने का काम वही करते हैं, और शायद अगर पूरे सिस्टम को हम जोड़ कर देखें एक साथ तो मुश्किल ये भी है, शायद अच्छे डॉक्टर गांव में उपलब्ध नहीं है, यही वजह है कि लोग ओझा के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में नहीं है, जिसकी वजह से लोग सीधे ओझा के पास जाते हैं, एकदम सीधा ओझा, गांव के लोगों के ओझा के साथ इतना विश्वास है, ओझा जो कह देता है वो उस पर मान जाते हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी गांव में उपलब्ध करानी होगी, एक तो बहुत बड़ा चीज है, ताकि लोग भटक के ओझा के पास नहीं जाए, और ओझाओं को वैद्य का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जो ओझा है, जो ओझागिरी करते हैं, अटकते हैं लोगों को, उसको वैद्य का जड़ी बूटी का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ताकि वो ओझागिरी नहीं करके वो वैद्यगिरी करें और ट्रीटमेंट दें, जड़ी बूटी का कुछ ज्ञान रखें, ताकि लोगों को सही इलाज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई स्टेप लेना पड़ेगा गांव में। गंगोत्री जी इस तरह से कोई घटना, ये लगता है कि ये सारे मामले जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि आप इसे अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर गांव में चिकित्सा सुविधा शायद बहुत अच्छी लोगों तक पहुंच पाती
तो ये ओझा वाला जो चक्कर है वो खत्म होता। लेकिन खैर, मामला ये है कि इसकी शिकार सिर्फ महिलाएं नहीं हो रही हैं, पुरुष भी हो रहे हैं। जैसे आज भी देखिए, जो हत्या हुई है वो एक दंपति की हत्या हुई है, पति पत्नी की हत्या हुई है। यानी ये ओझा या जादू टोना का चक्कर जो है, इसमें महिलाएं, ये कह सकते हैं महिलाएं ज्यादा है लेकिन पुरुष भी बहुत कम है। हां जी, पुरुष भी है जी, पुरुष भी इसी में है शामिल, लेकिन महिलाओं से कम है, महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है। नहीं तो बताए ना कि आखिर हो सकता है बानो के जो गिरदा गांव में, अभी जो शिंदे का गिरदा गांव में जो घटना घटी, जी जी, जो घटना घटी वो एक बच्चा मर गया, उसका दादा मर गया, उसको 5 दिन पहले मरा, अभी उसको घर से निकालते मारते मारते खलिहान में ले गया, पुआल के पास वो गिर गया, आग लगा दिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना, और वो भी उसके घर वाले लोग, मतलब उस गांव में गंजू परिवार के करीब 25 परिवार रहते हैं, 60-70 लोगों का बस्ती है, परिवार के लोग सब एक दूसरे से रिलेटिव हैं, उसके बाद ये घटना घटी। मतलब बिल्कुल ये लापरवाही है गंगोत्री की, ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि लगता नहीं है कि आपने भी अपने स्तर पर कभी कोई ऐसा कुछ किया हो जो आप ये कह सकें। ऐसी बात नहीं है, आप नहीं, तो हम तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपने खुद कहा कि मुख्यमंत्री से हमने पिछले साल बात की लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, अब आप कह रही हैं कि हम चिट्ठी लिखेंगे तो मुख्यमंत्री कर देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ नहीं किया, जन जागरूकता तो चल ही रही है। आप ये कैसे कर सकते हैं कि काम नहीं, तो आप बताएं ना कि आप एक रुपए खर्च नहीं हुए हैं, तादाद में इनके एक रुपए अगर इस साल नहीं इस साल हमारे पास आंकड़े हैं, 5 करोड़ में से 1 रुपए नहीं खर्च किए गए हैं। क्यों नहीं खर्च किए गए जब 53 हत्या, अगर ये कह देते हैं कि हत्याएं नहीं हो रही हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, तो वो रकम बची हुई थी, 53 हत्याएं हो गई हैं, लेकिन आपने यहां पर जागरूकता के नाम पर बिल्कुल खर्च नहीं किया, क्यों, किस लिए बचाकर रखी गई ये रकम? ये तो जानकारी लेने की बात है, खर्च विभाग ने क्यों नहीं किया। बाकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब ये सवाल उठाए जाएंगे मीडिया में, ये चर्चाएं होंगी, उसके बाद आप ऐसे मैं अपनी जिम्मेदारी से मैं हट नहीं रही हूं, मैं ये हट नहीं रही हूं इससे, मैं भी उसी समाज से हूं, इसलिए इस जिम्मेदारी से मेरे हटने की कोई बात ही नहीं बनती। अजय जायसवाल जी, अजय जायसवाल जी, जी सर जी, जी यही गंगोत्री जी के पास तो कोई जवाब ही नहीं है इस मुद्दे का, उनके पास इसमें जी सीधा बात है, ये समस्या है हमारा प्रदेश का है, हमारा राज्य का है, और ये गांव स्तर से जुड़ा हुआ समस्या है। आपको क्या लगता है अजय जायसवाल जी, कि क्या बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकल सकता है, या फिर जो लोग आज तक भूत प्रेत और ओझागुनी के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाए, जो लोग डायन प्रथा से बाहर नहीं निकल पाए, वहां पर अगर सरकार लोगों के हाथ में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड थमा दे और उन्हें कहे कि पेटीएम और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आप बढ़ें, क्या ये मजाक नहीं है? यह तो संभव नहीं है, तो पूरी तरह से हम ये सब मतलब झारखंड प्रदेश के लिए जो स्थितियां हैं, जो जिस प्रदेश में हम जहां रहते हैं, जहां लोग रहते हैं, गांव स्तर पर रहते हैं, वहां ये अभी तक उतना दूर लोग नहीं पहुंचे, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लोगों के पास स्मार्टफोन क्या का साधारण फोन है वो भी नहीं है, जहां लोग बात कर सकते हैं, कनेक्शन नहीं है, टावर नहीं है, तो खैर ये सब तो एक अलग चीजें हैं। लेकिन हम सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं पहल करना पड़ेगा, और इसको समाधान के लिए 20 साल लग जाएंगे, 25 साल लग जाएंगे, मतलब कई दशक लग जाएंगे, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। ये नहीं है कि आज जिस तरह सती प्रथा था और उसको खत्म करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा तो वो खत्म हुआ, उसी तरह डायन प्रथा ये सदियों से चला आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए नहीं, तो क्या 22वीं सदी में हम प्रवेश कर जाएंगे तब होगा, या फिर 21वीं सदी में हम उम्मीद करें? अजय जायसवाल जी, नहीं, 21वीं सदी में अवश्य हो सकता है, लेकिन बहुत ही मतलब गंभीरता से और बहुत ही सक्रिय रूप से इसमें लगना पड़ेगा, गांव स्तर पे एकदम। चलिए, बहुत बड़ी पहल करनी पड़ेगी गंगोत्री जी, सिस्टम को लगना पड़ेगा। गंगोत्री जी, इस चर्चा में, आधे घंटे की चर्चा में, इस कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं उस पार्टी से जिसकी सरकार है, लेकिन फिर भी आपने इस पूरी चर्चा के दौरान ऐसा कोई भी आश्वासन, ऐसा कोई भी ठोस
परिणाम यहां नहीं जाहिर किया जिससे लगे कि सरकार की गंभीरता दिख रही है। गंगोत्री जी, और मैंने ये आश्वासन दिया, मैंने आश्वासन नहीं, ये जन जागरूकता की बात है, ये लेकिन अफसोसजनक है। जन जागरूकता की बात है, जन जागरूकता देने से जब समाज जगेगा तभी। आप बैठी हैं और आप कह रही हैं कि बिल्कुल मैं भी मानती हूं गलत है, मैं भी मानती हूं गलत हो रहा है, मैं भी मानती हूं कि इसमें ठोस कुछ नहीं हुआ, तो ये आप किसे बता रही हैं कि नहीं हुआ? करना आपको था, ये कहिए ना कि हाँ मैं मानती हूं कि हमने नहीं किया, मैं मानती हूं कि हाँ हमारी गलती से ये सब कुछ हुआ है, ये कहें तब लगे कि हाँ भाई चलिए आप अपनी गलती भी मान रही हैं। फिलहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल जी, मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे थे उस कुप्रथा की जिसने प्रदेश को वाकई प्रदेश को बदनाम कर दिया है, काला धब्बा लगा दिया है। कैशलेस इकोनॉमी से कुछ नहीं होना है, वहां क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देके कुछ नहीं होगा, जहां के लोगों को आज तक ये नहीं पता है कि भूत प्रेत जादू मंत्र ओझा गुनी के चक्कर में पड़कर वो अपनी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों को कैशलेस इकोनॉमी और एटीएम से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आज मुद्दे की बात में इतना ही, बने रहिए जी पुरवैया के साथ, नमस्कार।